हाय फ्रेंड्स, और अब हम जा रहे हैं सीजर्स रेस्टोरेंट, जहाँ का फेमस है तंदूरी सीजर्स, क्योंकि अब यहाँ पर बारिश भी हो रही है, वेदर बहुत ही अच्छा हो चुका है एंड वेरी रोमांटिक वेदर। तो हमने सोचा कि इस रोमांटिक लवली वेदर में क्यों ना कुछ सीजर्स ट्राई किया जाए। तो मेरे साथ चलें अंदर और खाएं हमारे साथ सीजर्स। अब हम लोग आ चुके हैं सीजर्स रेस्टोरेंट के अंदर, और जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर बारिश हो रही है, तो हम लोगों ने सोचा कि व्हाई नॉट वी विल ऑर्डर दिस पनीर पकौड़ा। बारिश और पकौड़ा का तो कॉम्बिनेशन पता ही आपको बहुत ही सही है, और इसके साथ सीजर्स इज ऑल्सो फेमस फॉर द सिजलर्स। तो हमने पनीर पकौड़ा ऑर्डर किया एपेटाइजर में अलॉन्ग विद तंदूरी चिकन, और यहाँ का तंदूरी चिकन इतना टेस्टी है, जैसे हम लोग दिल्ली में सरोजनी नगर में खाया है हमने, सफदरजंग में खाया है हमने, काके का ढाबे का वैसा ही फ्लेवर है। तो जैसे खाना आता है मैं आपको इसके रिव्यू बताती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वी रियली नीड योर सपोर्ट। और ये जो सीजर रेस्टोरेंट है ये मालिया क्वेट सिटी में है, और एकदम कल्याण ज्वेलर्स के साइड में आपको बहुत इजीली आपको इसकी लोकेशन मिल जाएगी। बेस्ट पार्ट है इसके अपोजिट में एकदम ओपन पार्किंग है, पार्किंग का कोई भी मसला नहीं है, आप आराम से वहाँ पे पार्क करके अपोजिट साइड में सीजर्स में इंजॉय करने आ सकते हैं खाने को। और अब आ चुके हैं मेरे लजेदार पनीर पकौड़े, तो मैं आपको आपको टेस्ट करके बता दूँ पनीर का पकौड़ा कैसा है। ये डिप के साथ और थोड़ी सी ग्रीन चटनी, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही लज़ेदार लग रहा है। लुक एट द पनीर, इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। बेस्ट पार्ट ये उन्होंने जो बेसन की कोटिंग की हुई है इसके अंदर, जो इसका बैटर है उसके अंदर अच्छा मसाला है, जिससे इसका टेस्ट एकदम फ्लैट नहीं आ रहा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही लजीज फ्लेवर है इसका। और इसको खा के मुझे बिल्कुल वैसे याद आ गया जैसे दिल्ली में पंजाबी स्टाइल के पकौड़े होते हैं, वैसे ही बारिश में बारिश और पकौड़े का तो कॉम्बिनेशन कुछ बहुत ही अजीज कॉम्बिनेशन है। और अब आ चुका है हमारा सिजलर, आप देख सकते हैं कितनी सही की स्टीम आ रही है इसमें, और लुक एट द चिकन साइड, इट लुक्स सो टेम्प्टिंग। तो अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ, इट्स वेरी हॉट, आई शुड बी वेरी केयरफुल। लुक एट द चिकन, लुक एट द चिकन। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं नींबू को स्क्वीज करूँगी, लेमन स्क्वीज करने के बाद इसको हम चिकन सो टेंडी, वेरी सॉफ्ट, आराम से टूट गया। वाओ वाओ, मेरे पास वर्ड्स कम हो रहे हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, सो डिलीशियस, सो यमी, इट्स वेल कुक्ड, बहुत ही अच्छा है। जो स्पाइस हैं जो उन्होंने मैरिनेट कर दिया जो तंदूर में लगाया है, बहुत ही अच्छा, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। और मैं टेस्ट करके बताता हूँ, पहले तो मैं थोड़ा सा लाइम डालूंगा। लुक एट द साइज ऑफ द चिकन, काफ़ी बड़ा है, एंड दिस इज़ वेल कुक। देखिए आप देख सकते हैं दिस आर वेल कुक, ये ब्राउन ब्राउन जो कलर है इट शोज दैट द चिकन इज वेल कुक्ड एंड वेल मैरिनेटेड। और ये देखिए कितना आराम से टूट जा रहा है, और ये देखिए इसके अंदर का जो जूसी, हाउ जूसी इज़ द चिकन, कितना जूसी है, इससे पता लगता है कि चिकन वेल कुक है, वेल जूसी है, एंड
इस पे मैरिनेशन भी काफ़ी अच्छा कर रखा है, काफ़ी स्पाइसी मैरिनेशन है, और अंदर तक ये देखिए पूरा प्रॉपर अंदर तक उसका मसाला गया हुआ है। दिस मेक द वेल टेस्ट, जैसा हमें टेस्ट चाहिए उस तरीके का टेस्ट आ रहा है। इस पे ये लोग काफ़ी मसाले भी लगाते हैं, और कभी कभी ये लोग मस्टर्ड ऑयल का भी कोटिंग करते हैं, जिससे आपका पंजाबी फ्लेवर है वो बहुत सही आता है। तो देखते हैं, मज़ा आ गया। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट। यहाँ पर हमें तंदूरी चिकन खाना बहुत पसंद है, बिकॉज यहाँ का जो फ्लेवर है वो बिल्कुल दिल्ली पंजाब जैसा फ्लेवर है, जो खा के बिल्कुल वहाँ की याद आ जाती है। सो लेट्स इन्जॉय आवर फूड। और हमने मंगाया है गुलाब जामुन चीज़ केक, विच इज़ अ न्यू एडिशन इन स्वीट्स। नाम तो बड़ा यूनिक सा है, एंड इट्स लाइक अ फ्यूजन बिटवीन अ चीज़ केक एंड अ गुलाब जामुन। मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, दिव्या को चीज़ केक बहुत पसंद है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखते हैं क्या होने वाला है। गुलाब जामुन का प्रॉपर टेस्ट है, जो बिल्कुल बेस है वो गुलाब जामुन की है, तो ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है। अब चीज़ केक की बारी। चीज़ केक भी बहुत ज़बरदस्त है, ज़्यादा मीठा नहीं है। बेस्ट पार्ट ये है कि मुझे ज़्यादा मीठा नहीं पसंद, तो बिल्कुल सेटल टेस्ट है। चीज़ केक का प्रॉपर फ्लेवर है, चीज़ी सा है, और गुलाब जामुन का मस्त आ रहा है। सो आई थिंक अगर आप यहाँ पर आए तो ये ज़रूर खाइए। और अब हम अपने डिलीशियस सीजर्स के सीजर्स खा के आ चुके हैं। आर टमी इज सो फुल, तो एक वॉक तो बनती है, तो इसलिए अब हम आ चुके हैं क्वेटार एक लॉन्ग वॉक करने। एंड इट्स वेरी कोल्ड, आप देख सकते हैं मेरे ग्लव्स भी आ चुके हैं बाहर, इट्स रियली कोल्ड। तो हमने सोचा एक वॉक करते हैं और आपको पूरे क्वेटार का व्यू दिखाते हैं, नाइट व्यू। देख सकते हैं कितना क्लाउडी हो रहा है, क्लाउड्स भी कितने सुंदर लग रहे हैं। और अब हम ये ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। डू सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, और आप अब हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी ज़रूर फॉलो कीजिए। एंड कीप वॉचिंग। यस, बाय बाय, टेक केयर गाइस, लेट्स गो।